जो एक लोगों के बीच है कि अगर जेई एडवांस क्वालिफाई करना है, IIT जाना है तो मूवी नहीं देखनी चाहिए, ये कोई खास अप्लाई नहीं होता मेरे ख्याल से। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में कर रहे हैं तो अफेक्ट ऑफकोर्स करेगा, लेकिन हाँ हॉबीली आप कर सकते हैं जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट एंड सम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आनंद जायसवाल और आज मैं जो कहानी लेके आया हूँ वो एक बच्चे की है, लेकिन उस बच्चे के साथ साथ उसके परिवार की भी कहानी है। और मैं बात करने जा रहा हूँ समीर की, जो अभी जेई एडवांस क्वालिफाई किए हैं, लेकिन उनकी फैमिली को अगर हम देखें तो उनकी जो तीन सिस्टर है, निक्की, हर्षिका और सांभवी, ये तीनों IIT में पढ़ रहे हैं और तीनों मेंटर सेडुसर के छात्र रहे हैं। और इनकी सफलता की अगर हम बात करें तो निक्की ने मेंटर्स पे 2 2 ईयर का कोर्स किया है यहाँ पे 2013-14 में, 14 में वो क्वालिफाई की, IIT रोपड़ से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और अभी ओरेकल में एक हैंडसम सैलरी पे प्लेस्ड है। हर्षिका ने भी 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया यहाँ पे और वो 2014-16 बैच में थी और IIT पटना से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और वो माइक्रोसॉफ्ट में और ज़्यादा हैंडसम पैकेज पे वर्क कर रही है। सांभवी ने भी 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम किया 2018-20 में और अभी वो IIT पटना में पढ़ाई करी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। और समीर मेरे साथ बैठे हैं जिन्होंने मेंटर्स में 5 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम किया और बहुत सारे इनके अचीवमेंट है वो जब हम इनसे बात करेंगे तो पता चलेगा। और इनका भी JEE एडवांस क्वालिफाई कर गए हैं, यानी ये IITian बनने वाले हैं। तो पूरे परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों सदस्य IITian बन चुके हैं। तो इस पूरी अगर हम जर्नी को देखें तो इसमें बच्चे की मेहनत के साथ साथ उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, तभी सारे बच्चे इस तरह से IITian बन रहे हैं। और मेंटर सेडू सब को इस पूरे परिवार ने 11 साल दिए हैं, तो मेंटर्स की जो जर्नी है वो 12 साल की है, जिसमें 11 साल इस परिवार ने मेंटर्स को दिया है। तो ये इस परिवार का भरोसा बताता है मेंटर सेडू सब के ऊपर, और वो जब हम इनसे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या एक्चुअल तथ्य क्या है। और हमें बहुत सारी इंस्पायरिंग चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, पेरेंट्स को भी मिलेगी सीखने को और बच्चों को भी मिलेगी। तो मैं पहले बात करूंगा समीर से। तो समीर, कैसा लग रहा है तुम्हें JEE एडवांस के रिजल्ट के बाद? वैसे तो JEE एडवांस में मैंने एक्सपेक्ट किया था एक बेटर रैंक, बट अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि स्ट्रेस रिलीज हुआ। समीर, तुम अपनी जर्नी के बारे में बताओ। जैसे तुम 5 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में हो तो तुम्हारी अचीवमेंट क्या रही 5 ईयर में, क्लास 8th में 9th में, तुम्हें याद हो तो बताओ। 8th में जैसे बेसिक से एडवांस तक सब कुछ पढ़ा देते थे, जैसे सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता था, तो उसके कारण बहुत जैसे एग्ज़ाम्स में मुझे हेल्प होते थे। जैसे मैंने 8th में PRMO क्वालिफाई कर लिया था और फिर मैं 10th में NTSC क्वालिफाई कर लिया एंटी स्कॉलर हो तुम? और 11th में KVPY क्वालिफाई किया और एस्ट्रोनॉमी ओलम्पियाड का फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई किया और 12th में भी एस्ट्रोनॉमी ओलम्पियाड क्वालिफाई। वेरी गुड। तुम्हारे 10th के मार्क्स कितने थे? 95% वेरी गुड। और 12th के 96.8 दोनों में तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। जेई मेन में तुम्हारी परसेंटाइल कितनी थी? 99.85 तो तुम्हारे सारे अचीवमेंट अच्छे रहे। जे एडवांस का रैंक क्या है? 3533 तो ये तो रैंक डिसेंट रैंक है, बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है ये रैंक? क्योंकि जब 5 साल मेहनत करने के बाद मतलब एक एक्सपेक्टेशन हो ही जाती है कि अच्छा रैंक आएगा, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। और ऐसा भी है कि जैसे अगर एग्ज़ाम के टाइम में जैसे मुझे चिकन पॉक्स हो गया था अच्छा, तुम बीमार पड़ गए थे। तो उसके कारण भी इफ़ेक्ट पड़ा। कब तुम्हें चिकन पॉक्स हुआ? फर्स्ट जून को चिकन पॉक्स। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था फिजिक्स और मैंने तुम्हें 11th में पढ़ाया, 12th में पढ़ाया, और मुझे जहाँ तक देखा तुम्हारे जो क्लास की परफॉर्मेंस थी और तुम्हारी अचीवमेंट आ रहे हैं, PRMO तुम क्वालिफाई की हो, NTSC स्कॉलर हो तुम, KVPY स्कॉलर हो, 95% और उससे अबव मार्क्स तुम्हारे बोर्ड में आ रहे हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है।
यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, तो तुम आगे भी अच्छा ही करोगे जिस भी फील्ड में जाओगे। तो मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है, और इसको बहुत हेवी हार्ट से नहीं लेना है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है कभी कभी वैसा ही होता है। तुमने बहुत मेहनत की 5 साल तक, उसके बावजूद तुम्हारे चिकन पॉक्स होने की वजह से रैंक थोड़े बहुत इधर हिल रहे हैं। तो लाइफ में वो चीज़ फेस करके आगे हमें बढ़ जाना है, उसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं सोचना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हारी जो ये एग्ज़ाम डे का थोड़ा बताओ मुझे कि एग्ज़ाम डे के कितने दिन पहले तुम बीमार पड़े, एग्ज़ाम डे में तुम्हारी क्या हालत थी? एग्ज़ाम डे का मतलब 1 जून को मुझे चिकन पॉक्स मतलब डिटेक्ट हो गया था, तो फीवर रहता था पूरे दिन तक, जैसे 100, 102। एग्ज़ाम डे के दिन भी फीवर था, मतलब एक डाउट था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि ये 5 साल मेहनत किया तो वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। एग्ज़ाम डे पे भी तुम्हारे फीवर थे, फीवर में ही तुम गए थे? मैं साथ कौन गया था एग्जाम डे में? पापा गए थे। तो मैं सर आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। अब आप सर अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? मैं रेलवे में हूँ, मेरा नाम अजय कुमार है। रेलवे जोनल हेडक्वार्टर है इसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हाजीपुर में, वहाँ मैं पर्सनल ब्रांच में ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ। अच्छा, और आपके घर में कौन कौन है? घर में मैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मिसेज है और 4 बच्चे हैं। सबसे छोटा मेरा समीर कुमार है, ऊपर उससे बड़ी 3 बेटियां हैं, निक्की, हर्षिका और सांभवी। हाँ, ये 4 बच्चे आपके संस्थान से ही पास आउट हुए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके संस्थान से मैं 2013 से, हाँ, 13 से जुड़ा हूँ। बिल्कुल, 2013 में आप मेरे से मिले थे और उस समय आप निक्की को लेके आए थे और तब से आपका एक विश्वास बना हुआ है। जी। मैं एग्ज़ाम डे के बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी। आपका बेटा जो एग्ज़ाम देने गया तो क्या एक फीलिंग होती है फैमिली में, वो भी चिकन पॉक्स, वो भी अभी तक इसके रैशेज अभी गए नहीं हैं, तो थोड़ा बताइए एग्ज़ाम डे के बारे में। एग्ज़ाम के डे तो मैं अंदर से बहुत नर्वस था, फीलिंग बाहर नहीं होने दे रहा था ताकि मेरा बच्चा ना नर्वस हो जाए। मैं समझ सकता हूँ, ये हकीकत था। मैं बाहर से बहुत बोल्ड दिख रहा था लेकिन अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था, लग रहा था इसको तो बैठा भी नहीं जा रहा था उस दिन। अच्छा, इतना ज़्यादा बिक हो गया था और फीवर था। डॉक्टर इनको मुझे इचिंग के कारण दवा भी दिए थे लेकिन दवा के कारण इसको नींद आ रहा था। जैसे अच्छा। मैं दवा इसको 1 जून को डिटेक्ट हुआ तो 2-3 तारीख को मैं इसको 2 को भी 3 को भी दवा दिया था इचिंग वाला, ताकि इचिंग ना हो, लेकिन इचिंग के कारण ये दवा के कारण सो जाता था। अच्छा, दिन भर सोया हुआ रहता था। मैंने 1 तारीख से तो ये बुक वगैरह कुछ नहीं देखा, दिन भर सोया हुआ रहता था, बस उठाकर इसको जो भी खाना पीना लिक्विड में देता था, मैं जूस वगैरह देता रहता था। तो एग्जाम के दिन मैं इसको इचिंग का दवा नहीं दिया, इसलिए नींद ना, इसलिए मैं नहीं दिया। और सारा लिक्विड वगैरह, नारियल पानी, जूस, गन्ने का जूस, ये सब देकर और साथ में लेकर 2 बेडशीट, 1 तौलिया, ये सब साथ में ले जाकर इसको एग्जाम हॉल में मैं पहुँचा। वहाँ जाते ही लोगों ने कहा कि जान, इसकी जान लेनी है क्या, जो एग्जाम दिलाना है। अच्छा, जो लोग आए हुए थे एग्जाम दिलाने के लिए। इतना सीरियस चेहरा इसका, पूरा शरीर रेडिश टाइप का लग रहा था, आँखों में लालिमा पूरा थी जी। तो सारे लोग हम पे मतलब दोषारोपण कर रहे थे। हाँ, फिर भी हमने इसको, मैं जान रहा था कि इसका 5 साल का बर्बाद हो जाएगा। और इसके अंदर काफ़ी अंदर से बोल्डनेस था, ये बिल्कुल नर्वस नहीं था। और हम तो अंदर से नर्वस थे लेकिन ये बिल्कुल नर्वस नहीं था। और इसलिए मैं इसको एग्ज़ाम दिलाया। बहुत सारे तो बहुत विरोध किए, लेडीज लोग तो बहुत दुत्कार रही थी हमको। अच्छा। तो वहाँ से मैं सेंटर से दूर इसको ले जाकर एक छांव के किनारे, पेड़ के छांव के नीचे इसको बैठाया कि तुम को 2 घंटा पहले बुला लिया था। 9 बजे से एग्जाम थी और 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो मैं 7:05 में पहुंच गया था वहाँ एग्जाम पे। तो जब सारे गार्जियन लोग जब बोलने लगे कुछ कुछ, सारे लोग का नजर इसी पे था तो इसको मैं थोड़ा दूर लेकर चला गया। हाँ, लोगों का सुन के भी बच्चे पे प्रेशर आ सकता है, उसको और नर्वस ना हो इसलिए इसको दूर ले जाकर मैं बैठाया। और जैसे ही उसको, जब सारे बच्चे जाने लगे तो सबसे लास्ट में तो फिर मैं वहाँ इसको मतलब पहुँचाया। और बैड लकली ये था कि उस जिस जहाँ सेंटर इसकी थी वहाँ एसी भी नहीं था। अच्छा, जनरली गवर्नमेंट स्कूल में एसी होते भी नहीं? गवर्नमेंट स्कूल नहीं था ये, IDZ जो है ना पाटलिपुत्रा में। अच्छा, IDZ क्या था, IDZ जोन 3 था, उसमें
पंखा पे ही चला था, काफी शिकायत उस कोचिंग की जाती है, तब भी वहाँ सेंटर लोग ले रहे हैं अभी तक, जब भी वहाँ नहीं लेने लायक है, बच्चे गर्मी से काफी परेशान रहते थे और मैं गेट पे ही खड़ा रहा हमेशा, मेरा हमेशा धक-धक जब ये एग्जाम के अंदर था आप गेट पे खड़े तब, ताकि जब भी कोई अनाउंस होता था तो लगता था कि कहीं मेरा गार्जियन को तो नहीं खोज रहा हूँ, इतना ज्यादा सीरियस बीमार था वो, कंसर्न आपका कंसर्न वहाँ था। मैं जब तक ये रहा तब तक मैं पानी तक नहीं पिया, मतलब पूरी 7 बजे से 12 बजे तक मुझे काफी प्यास भी लगी हुई थी लेकिन मैं नहीं पी रहा था, क्योंकि इसको मैं वाटर बोतल मेरे पास ही रह गया था, इसका वाटर बोतल, अच्छा वो भी लग रहा था कि मेरा बेटा नहीं पी रहा मैं क्यों पीऊं, अच्छा ऐसा भी था मेरा इंटरनल फीलिंग बता रहा हूँ। गॉड लकली मतलब फिर निकला, मैं छाता लेकर उसको लाया और एक वहीं पे अपार्टमेंट में बन रही थी तो उसके बेसमेंट मिले जाकर इसको मैं जूस वगैरह देकर लिक्विड वगैरह कुछ खिला पिला कर और सुलाया मैं 1.5 घंटा इसको। अच्छा बीच में 2 घंटे का ब्रेक था, 1.5 घंटा सुलाया, उसके बाद फिर इसको पहुँचाया सेंटर। मैंने पूछा भी नहीं कि कैसा गया आपका एग्जाम, मतलब बच्चे से कुछ भी नहीं पूछा, कुछ बोला भी नहीं। नहीं ये एज अ पेरेंट जो आपने किया वो मुझे भी लग रहा है बहुत अंदर से कि कभी कभी पेरेंट भी हिम्मत हार जाते हैं कि बच्चे की तबीयत खराब है तो हम कैसे जाए लेके। समीर ये बताओ तुम्हें एग्जाम डे में हिम्मत कहाँ से आई एग्जाम देने की? ये जैसे चिकन पॉक्स था पर अंदर में था कि इस छोटे छोटे चीज से ऐसे अपना लाइफ को खराब नहीं करने देना, तो ये सब बहुत फैमिली ने सिखाया है तो इसीलिए मैं सोचा कि एग्जाम देना। चलो मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहूँगा कि तुम बीमार होते हुए 101 फीवर होते हुए चल नहीं पा रहे थे तुम और फिर भी तुमने इस एग्ज़ाम को फेस किया और मेरे ख्याल से डिसेंट रैंक है तुम्हारे पोटेंशियल के साथ, तुम टॉप 500 में आने वाले थे जो मेरा प्रेडिक्शन था और वो आ भी जाता अगर तुम बीमार नहीं होते। और दो दिन पहले मैं तुमसे बात भी की थी तो वो जिस दिन तुम्हारा एग्जाम था ना वो एक्चुअल में चिकन पॉक्स का पीक डे था मेरे ख्याल से, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट को अगर इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है तो 3-4 दिन बाद ही उसका इफेक्ट दिखता है। तो कोई बात नहीं, अब तुमने अचीव कर लिया है, ठीक है ना, अब उसको आगे और अच्छा करना है और उसको कन्वर्ट करना है तुम्हें। चलो एग्जाम एग्जाम तो हो गया, ठीक है, अब रिलैक्स करो। एग्जाम के बाद क्या किया तुमने? अभी तो मूवीज वगैरह देख रहा हूं। अच्छा मूवीज देख रहे हो, चलो तो तुम्हारी हॉबी क्या है? मूवी देखना ही पसंद है, वैसे मूवी सीरीज देखना। मूवीज और सीरीज देखना पसंद है। तो तुम्हारा फेवरेट मूवी कौन सा है? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन और सीरीज कौन सी? डेथ नोट देखा अभी। अच्छा और जो तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है वो कौन है? अभी जैसे मैं मार्वल का बहुत मतलब फैन हूं तो उसमें आयरन मैन कैरेक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर की बात है, क्योंकि वो ऐसे जैसे वो मिस्टेक से सीखता है अपने, वैसे कुछ भी उसके स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होता तो वो नेक्स्ट टाइम अपग्रेड करता है। अच्छा से मतलब मिस्टेक से सीखने का एक टेंडेंसी है उसका, जो मुझे बहुत अच्छा। बाकी जो तुम मूवीज देखते हो उस मूवीज से तुम्हें क्या मतलब अपने स्टडी में को कैसे रिलेट कर पाते हो तुम उसे? जैसे मूवीज मुझे फैंटेसी टाइप के जॉनर की पसंद है तो उससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि मतलब इमेजिनेशन ही एक्सपैंड होता है बेसिकली। मतलब ये जो एक लोगों के बीच है कि अगर जेई एडवांस क्वालिफाई करना है आईटी जाना है तो मूवी नहीं देखनी चाहिए, ये कोई खास अप्लाई नहीं होता मेरे ख्याल से। हाँ अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में कर रहे हैं तो अफेक्ट करेगा, लेकिन हॉबीली आप कर सकते हैं जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट एंड सम। सर आप बताइए, आप बच्चे को अलाउ करते हैं मूवी देखना? मैं अलाउ करता हूं लेकिन मेरे सामने देखे। अच्छा मैं जब ये छोटा था तो हर एक मैं सप्ताह में एक बार जरूर कार्टून वाला मूवी दिखाता था इसका। अच्छा मेरे पास अभी बहुत सारे कार्टून के सभी भी सीडी रखे हुए। अच्छा अच्छा हाँ तो मैं एवरी संडे इसको दिखाता था। मेरे यहाँ टीवी तो है लेकिन डिश आज तक मैं नहीं लगा रही। अच्छा नो कनेक्शन, डिश कनेक्शन अभी तक नहीं लिया, टीवी रखा हुआ है। एंड्रॉयड फोन भी जब मेरी बड़ी वाली बेटी जो है वो तब एडमिशन हुआ उसका तो उसका पहली बार एंड्रॉयड फोन, तो स्मार्टफोन पहली बार आपके घर में 2015 में कदम 14 में कदम 14 में हाँ तो
टीवी मेरे सामने जो भी करना है मेरे सामने करो। तो घर में ही मूवी दिखाते हैं बच्चों? जी, बाहर नहीं। अच्छा, पूरे परिवार बैठ के? संडे को मैं पूरी फैमिली के साथ देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। हालांकि कार्टून फिल्म ही दिखाता हूँ, लेकिन सारे बच्चे एक साथ मैं भी बैठ। आपका भी फेवरेट कैरेक्टर उसी टाइप का लग रहा है? सब सारे बाल गणेशा वगैरह सब देखा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो मैं यहाँ पे ये एक ऑब्जर्वेशन जो मेरी है बात करके समीर से और उनके फादर से, कि अगर आपकी कुछ हॉबी है तो उसको आप छोड़ दें, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप IIT में जाना चाहते हैं या आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, हाँ, ज़रूरत ये है कि आपकी हॉबी को लिमिट करें आओ, और हॉबी आप इस तरह से इंजॉय करें उसको कि वो पढ़ाई को अफेक्ट ना करे। और अगर आप हॉबी को लिमिटेड टाइम में करते हैं तो उससे आपको नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है। अगर आप फैंटेसी मूवी देखते हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर आती है, कुछ लेसन आपको वहाँ से मिल सकता है अच्छी मूवी देखने से, तो वो आप अपने रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ नॉट परमिटेड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सीरियस एग्जाम लाइक JEE और NEET। अजय जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने मेंटर्स को 11 साल दिए हैं अपने परिवार के, और ये 11 साल बहुत बड़ा होता है कि आप 11 साल एक ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे, तो ये जो आपका विश्वास है वो विश्वास कैसे आया और ये कंटिन्यू कैसे हुआ? ये विश्वास कंटिन्यू होने का कारण है कि समय समय पे हमें सारे बच्चे का रिजल्ट मिलता गया। मिलने का मेन यहाँ कारण था कि यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं और इजीली अवेलेबल है। जब कोई भी डाउट होते थे बच्चे के तो पर्सनली वो डाउट क्लियर कराते थे। मटेरियल भी बहुत अच्छे हैं, सारे अदर कोचिंग के जो नामी नामी इंडिया में कोचिंग है, कोटा में कोचिंग है, उसके मटेरियल को जो निचोड़ कर यहाँ इनके पैकेज में, यहाँ मेंटर्स के पैकेज में समाहित किया जाता था उस मटेरियल को, और वो पैकेज बच्चे बनाते थे और अच्छा रिजल्ट लाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो डायरेक्ट आप से मैं जब चाहता था, जो भी मतलब प्रॉब्लम होती थी कोचिंग के दौरान या कोचिंग मतलब किसी भी कोचिंग पढ़ाई के दौरान, तो आपको मैं बताता था, आपने वो सॉल्व कर देता था कि टाइम टेबल क्या रखना चाहिए, मतलब कितने देर का ब्रेक होना चाहिए, कब आपका टेस्ट कितने दिन पे ले। ये डिस्कशन तो हमारी होती है आपसे। जी जी, तो इससे काफ़ी बच्चे में इम्प्रूवमेंट होता गया और हमें रिजल्ट मिलता गया, और रिजल्ट मिलने के कारण विश्वास बढ़ता गया। यही मेन कारण था, इस संस्थान से मतलब विश्वास बढ़ता गया। बिल्कुल अजय जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं आज समाज में जिनके बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 12th पास कर चुके हैं, और ख़ासकर जो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल तैयारी करना चाहते हैं, तो वैसे पेरेंट को जिनके बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या पेरेंट ही बच्चों को तैयारी कराना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला नंबर तो पेरेंट्स को बच्चे का गोल बनाना जानना जरूरी है क्लास 7 में, को किस क्या बनना चाहता है, डॉक्टर या इंजीनियर। सबसे पहले इन्हें कि बच्चा मेरा IAS बनेगा वो नहीं देखना है, IAS तो बाद की बात है, पहले इसमें इंजीनियर या डॉक्टर की ओर ले जाना है, उसके बाद IAS बनाइए। जब इसमें पढ़ाई में जैसे ही इंजीनियर बनेगा तो 4 साल जब रगड़ाएगा और 2 साल तैयारी से 4 साल करेगा तो बैठने का आदत हो जाएगा। बच्चे को बैठने की आदत होने के बाद ही वो IAS बन सकता है, ऐसा नहीं कि उड़ के वो IAS बन सकता, जब तक वो बैठेगा नहीं वो IAS नहीं बना। इसलिए गार्जियन को फर्स्ट चांस में IAS का नहीं देखना है, सबसे पहले गोल सेट करें। सबसे पहले गोल सेट करें कि मुझे बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, और वो जिस अगर जो भी बनना है वो क्लास जितना अर्ली किसी भी संस्थान में डालेंगे, अर्ली स्टार्ट करा दीजिए तो उतना अच्छा रहेगा, उतना बेस उसका मजबूत होगा और उसको पढ़ाई करने का आदत हो जाएगी। जी यही मतलब सबसे मतलब जरूरी है बच्चे को गोल जाने, उसको पढ़ाई करें, उसके समय के साथ जैसे ही आप 10th में जाए बच्चा, 10th के बाद आप 3 साल कम से कम सारे समाज से दूरियां बना लीजिए। तभी बच्चा मतलब उस पर ना ऐसा ना हो कि पढ़ाई के बच्चे मतलब आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैं तो बहुत बढ़िया संस्थान में नाम लिखा देता हूँ, मेरा बच्चा पढ़ जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा रहता तो सारे अमीर के बच्चे IAS और डॉक्टर इंजीनियर होते, बिल्कुल गरीब के बच्चे नहीं होते। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको भी समय देना है जी,
उसको कब क्या पढ़ रहा है मॉनिटरिंग करना है एवरीडे, उसके खान पान पे ध्यान देना है, समय पे कोचिंग पहुंचाना है, समय पे स्कूलिंग कराना है जी, मतलब एवरी डे एवरी टाइम उसको मॉनिटरिंग करना है, चाहे उसके पैर माता माँ करें या पिताजी करें, एक आदमी को हमेशा लगा हुआ रहना है, मोबाइल से दूरियां बनाना है जी, टीवी से दूरियां बनाना है बच्चे को, ये सब जरूरी है। मेरे घर में आज तक डिसकनेक्शन नहीं है। आपने बताया जी, तो ये सब जरूरी है बच्चे का विकास के लिए, और उसके ज्यादा आपको त्याग करना जरूरी है तभी बच्चा बनेगा। ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आप इधर बगल के कमरे में टीवी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, ध्यान बट ही जाएगा, ध्यान बट जाएगा। और बच्चे आप चाहेंगे कि साल भर में चलो 5 जगह घूमने चले गए, शादी विवाह में चले गए, तो ऐसा नहीं होता। मैं नौकरी करता हूँ सरकारी नौकरी, जब 5 दिन की छुट्टियां लेता हूँ तो 6ठा दिन काम करने का मन नहीं करता ऑफिस में। इसी प्रकार बच्चे को अगर आप 15 दिन तक या 1 सप्ताह टूर पे जाते हैं तो वो बच्चा को पढ़ने के लिए फिर 1 सप्ताह के बाद ही उसका तैयार होगा, उस तरह का मोशन आएगा पढ़ाई का, बिल्कुल, इसलिए जो मोमेंटम ब्रेक होगा उसको जी, फिर इसलिए ब्रेक नहीं करना है। 3 साल कम से कम हर एक गार्जियन को त्याग करना होगा, सारे चीज सामाजिक बंधन सुख मतलब सारे इस मौज को त्याग कीजिए, तभी बच्चा विकास करेगा आपका, अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब पेरेंट्स की सैक्रिफाइस बच्चे की सैक्रिफाइस के साथ चलेगी जरी, जी जी जरूरी है। समीर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी आईटी का सपना देख रहे हैं इरेस्पेक्टिव देयर क्लासेस, या जो बच्चे किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी सपना देख रहे हैं, तो उनको क्या तुम एडवाइस देना चाहोगे? सबसे पहले तो गोल फिक्स कर, और उसके बाद उस अभी इसी मोमेंट पे जैसे तुम स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, और डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं उनको मतलब छोड़ दो, क्योंकि मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम होने के बाद जो चीज़ें मुझे पहले इंटरेस्टिंग लगती थी वो अब इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी क्योंकि अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एक्चुअली में वो चीज़ें जो तुम्हें अभी इंटरेस्टिंग लग रही है वो बाद में इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी। तो डिस्ट्रैक्शन पे टाइम वेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर टाइम देना चाहिए। और जो भी अगर जैसे किसी टेस्ट में तुम्हारे खराब मार्क्स आ रहे हैं, कुछ रैंक अगर मतलब ख़राब आ रहा है, तो पेरेंट्स और टीचर्स से बात करना चाहिए, क्योंकि बेस्ट एडवाइस वो ही दे सकते हैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स से शेयर करने से ज़्यादा अच्छा है कि पेरेंट्स और टीचर्स से ही शेयर करो। तो हमने अभी बात की समीर से और उनके फादर अजय जी से, और काफ़ी कुछ जानने को मिला कि बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, और साथ में अजय जी जो समीर के फादर हैं उनसे बात करके ही समझ में आया कि बच्चे की सफलता में बच्चे का तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ही, लेकिन साथ में जो उनका परिवार है, जो उनके माता पिता हैं और जो घर के अदर मेंबर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी बच्चे की सफलता में। बच्चे के सेक्रीफाइसेस के साथ साथ पेरेंट्स की सेक्रीफाइस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर समुचित तरीके से काम किया जाए, अगर बच्चा होनहार है, एवरेज बच्चा भी है, उसको पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, एक अच्छा अगर उनको गाइडेंस मिल जाता है किसी टीचर से, कोचिंग संस्थान के माध्यम से, तो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है और सफल हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो मेरे ख्याल से आप जितने लोगों ने सुना इस कन्वर्सेशन को, तो आपको बहुत इंस्पायरिंग चीज़ें लगी होंगी और आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, चाहे बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हों, और आप अपने बच्चे का भविष्य भी बना पाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर दिस सेशन।